साफ सी बात है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा और टीवी पे देखा है, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि जितने हमारे विधायक हैं सबको टिकट यूं की यूं दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको लड़ाने का ऐलान कर दिया, मगर वो अगर भागती हैं तो खुद भागती हैं, पार्टी नहीं भगा रही। आप पूरे निश्चिंत है कि बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? नहीं नहीं, वो आए, मैं तो कहता हूँ आए, वेलकम, मैं उनको बुला रहा हूँ, पार्टी टिकट दे रही और मैं बुला रहा हूँ, आए, बिल्कुल बिल्कुल सभी को एकजुट करेंगे। इसमें राजेश ठकराल का भी नाम है, अतर सिंह सैनी का भी नाम है, छत्रपाल सबका नाम शामिल है। मैं सबको के पास जाऊंगा, मुझे मेरे लिए कोई गैर नहीं है, सब पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सबके पास जाऊंगा निश्चित तौर पे, सबको साथ लाने का। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद भैना। विनोद भैना को भारतीय जनता पार्टी ने हांसी विधानसभा से टिकट दी है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। टिकट मिलने के बाद आपका पहला दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। जो ही मैं हांसी में एंटर किया, हल्के में एंटर किया, हांसी तो बाद में आया, जैसे ही हल्के में एंटर हुआ, मैं बांडा हेडी से सोरखी गड्डी हर गांव में भरपूर स्वागत किया लोगों ने, बहुत बड़ा समर्थन मिला, और फिर जब शहर में घुसा तो हजारों हजारों की तादाद में लोगों ने स्वागत किया, और पूरे जहां भी मैं मार्केट में गया, पूरी मार्केट में पूरा जोश था। पता नहीं, मेरे ख्याल कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 50-100 जगह जरूर आज लड्डू बांटे गए होंगे, मतलब बड़ा खुशी का माहौल रहा। आपको रुझान मिला? बहुत बढ़िया रुझान मिला। तो पार्टी के काफ़ी नेता थे जो टिकट की दौड़ में थे, तो वो नज़र नहीं आए, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, सारे के तो नहीं कह सकते कि आप नज़र नहीं आए, आज बहुत से पार्टी के नेता मेरी दो गाड़ियों में थे, एक आगे मेरे गाड़ी थी उसमें भी भाजपा के पुराने नेता थे, और पीछे नेता नज़र नहीं आए, उनकी बात करें, कुछ नाराजगी है अभी भी? आप यूं कहिए कि कुछ नज़र नहीं आए, सारे नज़र नहीं आए ये नहीं, कुछ नज़र नहीं आए, दो चार लोग, और वो दरअसल टिकट के इच्छुक थे, और नेचुरली जब टिकट नहीं मिलती तो थोड़ा सा तो आदमी उदास। उन्हें मनाने के लिए आप जाएंगे या वो पार्टी? मैं जाऊँगा, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा, मैंने फ़ोन वोन भी किए, आज वो हैं नहीं यहाँ पे, कहीं गए होंगे, मैं जाऊँगा और उनको विशेष तौर पे अपने साथ लगाऊंगा, क्योंकि ये एक पार्टी तो एक आदमी को टिकट दे सकती है, सबको तो टिकट दे नहीं सकती, एक आदमी को टिकट देती है तो सबका फर्ज बनता है कि हम उसका पार्टी के फैसले का स्वागत करके, और जिसको भी टिकट मिला है उसके साथ लग के कमल के फूल। आप जितने भी भाजपा के जो भी नेता हैं सभी को एकजुट करेंगे और चुनाव मैदान में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को एकजुट करेंगे। जिसमें राजेश ठकराल का भी नाम है, अतर सिंह सैनी का भी नाम है, छत्रपाल सबका नाम शामिल है। मैं सबको के पास जाऊंगा, मुझे मेरे लिए कोई गैर नहीं है, सब पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं सबके पास जाऊंगा निश्चित तौर पे, सबको साथ लाने का। मैं पिछले चुनाव की बात करें तो आप चौथे नंबर पे रहे थे, उससे पिछले चुनाव जीते थे आप, और पिछले नंबर चुनाव में एकदम से आप चौथे नंबर पे खिसक गए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या गलतियां आपसे हुई कि चुनाव में इतना बुरा प्रदर्शन हुआ? देखिए, मुझे गलतियों का तो मुझे नहीं पता कि क्या गलतियां हुई, मगर जो मैं समझता हूं कि वो रेणुका बिश्नोई जो आई वो एक अच्छी, मतलब वो थी कि भाई वक्ता बोले जिसे, वक्ता नहीं, मैं उसको क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, कि उसने हांसी के लोगों को ऐसा पोलराइजेशन किया है क्या, ऐसा कुछ वोटरों का हिप्नोटाइज किया कि वो जो मेरा सारा वोटर था वो सारा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। आपको लगता है कि आपकी कोई गलती है, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया जिससे जनता नाराज हो, एक रेणुका बिश्नोई का जो फैक्टर था उसकी वजह से वोटर खिसक? मेरे को तो आज भी यही विश्वास है कि रेणुका बिश्नोई अगर ना आती तो मैं 100% चुनाव जीतता, और मेरे चौथे नंबर पर आने का कारण भी यही रहा कि मेरा वोट कट के रेणुका बिश्नोई को चला गया। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि हमारा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हवा ख़राब थी उस टाइम, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी की हवा ख़राब थी, और पूरे हरियाणा प्रांत में 36 जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हुई थी, मगर मैं इस विषय में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि लोगों ने मेरा फिर भी बुरी हवा में साथ दिया और मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, मैं एक अच्छे वोट लेके जो कि मैंने वो किया, तो कोई ऐसी बात नहीं, उतार चढ़ाव राजनीति में। जो आपका पिछला कार्यकाल रहा था, आपको क्या लगता है कि हांसी के लिए आप एक कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर पाए जो इस कार्यकाल में अगर आप एमएलए चुने जाते हैं तो करेंगे, क्या कमी महसूस होती है हांसी के लिए? हांसी में आज के दिन विशेष तौर पे जो मैं करना चाहता हूँ, एक कोई अच्छा प्रोजेक्ट, क्योंकि हांसी में बेरोजगारी है ज़बरदस्त, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे है नहीं कि जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, तो मेरी जो पिछली टर्म में कमी रही वो मैं प्रोजेक्ट नहीं ला सका, अब की बार भगवान
की कृपा हुई और हांसी की जनता ने मुझे समर्थन दिया और मैं विधायक बना, तो निश्चित तौर पे मेरा प्रयास रहेगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आऊँ जिससे हांसी के हमारे युवाओं को, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको रोज़गार मिले। एक तो ये मेरे मन में बहुत बड़ी टीस थी जिसको मैं अब ख़त्म करना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट ला के। एक आज हमारा शहर एक गंदगी का ढेर बन के रह गया, उसमें मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पे हमारे जो विधायक हैं उनके कारण हुआ ये कि उसने कभी संभाला नहीं शहर को, ना कभी उसने अधिकारी। इस बात पे ना फंस जाते हैं कई बार, आप ये कहते हैं कि 5 सालों में शहर का बुरा हाल हुआ और 5 सालों में बीजेपी की सरकार भी है प्रदेश में, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं लगता कि आपको नहीं निभाई गई, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है? ऐसा है, सुनो आप, मैं आप इसकी इसका पूरी तरह खुलासा करता हूँ आपके आगे। मैं समझता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी है, अगर सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है फिर विधायक का क्या काम है? सरकार कभी भी कुछ देखने नहीं आती फील्ड में आके, एक विधायक की ड्यूटी होती है कि वो वहाँ की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाए। अगर सरकार तक कोई समस्या पहुँचेगी नहीं, स्थानीय नेता नहीं थे भाजपा के, मैं आपको स्थानीय नेता का मुझे नहीं पता, मैं किसी के बारे कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन की, मेरे को ये लगा कि हमारी हांसी में कुछ विकास कम हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि सीएम साहब, हमारे गांव के सरपंच तो सारे परेशान हैं कि हमारे इलाके में पैसा ही नहीं आया। उन्होंने फौरी तौर पे कहते, मुझे आपकी विधायक ने कभी मांगा ही नहीं मेरे को, मेरे को किसी ने कहा ही नहीं। मेरे एक बार कहने से ईमानदारी की बात है, रिकॉर्ड की बात है, 10 करोड़ रुपया एक और 3 करोड़ रुपया एक, पिछले 6 महीने में 13 करोड़ रुपया आया है। आप गांव के सरपंचों से पूछ सकते हैं कि हांसी की जो समस्याएं थी जितनी भी जो जरूरतें थी हांसी शहर की, उनके बारे में जो आलाकमान थे, जो शासन में बैठे हुए थे भाजपा पार्टी के जो भी नेता, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई, उनकी तक आवाज़ नहीं पहुंची। और जब कभी किसी ने आवाज़ पहुंचाने का कार्य किया तो वो काम हुए भी, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया है। तो अगर कोई अच्छा विधायक होता और आवाज़ पहुँचाता तो शायद, अगर रेणुका बिश्नोई दोबारा मैदान में आती है आपके सामने, आएँ तो मोस्ट वेलकम, मैं चाहता हूं कि वो आएँ। उन्होंने भी एक बयान भी दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें हांसी से चुनाव लड़वाती है तो ज़रूर लड़ेंगे। हांसी से कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अगर कांग्रेस, क्योंकि एक बड़ी साफ सी बात है जो मैंने अखबारों में पढ़ा और टीवी पे देखा है, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि जितने हमारे विधायक हैं सबको टिकट यूँ की यूँ दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको लड़ाने का ऐलान कर दिया, मगर वो अगर भागती हैं तो खुद भागती हैं, पार्टी नहीं भगा रही। आप पूरे निश्चिंत है कि बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं नहीं, वो आए, मैं तो कहता हूँ आए, वेलकम, मैं उनको बुला रहा हूँ, पार्टी टिकट दे रही और मैं बुला रहा हूँ आए, ताकि जो उन्होंने हरियाणा हांसी की जनता के साथ जो किया है, कम से कम वो भी अपना देख लें कि मैं हांसी की जनता अब क्या रिस्पॉन्स देती है उन्हें। सर, हांसी जिला बनाने की बात करते हैं, जो आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, तो भाजपा पार्टी को कैसे मनाएंगे आप इस विषय पर? देखिए, ये आज चर्चा का विषय है और मेरा भी ये प्रयास है कि अगर हांसी की जनता मुझे विधानसभा में भेजती है तो निश्चित रूप से मेरा बहुत ज़बरदस्त प्रयास रहेगा कि मैं हांसी को जिला बनाऊं सरकार से मंजूर करवा के। और बाकी ये बात तभी संभव है कि मैं विधानसभा में जाऊं और उसके बाद हम ये। अभी तक जो भाजपा का जो रुख है इतना सकारात्मक नज़र नहीं आता है कई बार, तो इस वजह से जो संघर्ष समिति है वो भी बोलती है कि बीजेपी के जो नेता है वो समर्थन इतना नहीं कर रहे उनकी। देखिए, मुझे ना तो बीजेपी के नेताओं का पता, मगर सरकार की नीयत बड़ी साफ है। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के हांसी में आए थे और जिला बनाओ समिति ने, संघर्ष समिति ने धरना लगा रखा था और वो रोड पे जब खड़े थे तख्ती लेके, तो मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंस किया था कि पुलिस जिला भी मैंने बनाया है और समय आने पे जिला भी मैं ही बनाऊंगा। तो मुझे, मैं तो पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, बिल्कुल पूरा। तो आप नामांकन कब दाखिल करेंगे? 3 तारीख को। आखिरी सवाल है सर आपसे कि आप टक्कर किससे देख रहे हैं आपकी? जीत तो कोई भी कैंडिडेट जीत तो कहेगा मैं जीतूँ, लेकिन टक्कर किससे देख रहे हैं? मैं संदीप जी आपको एक बात बताऊँ, टक्कर जब देखी जाती है जब सारे खिलाड़ी मैदान में आ जाएं। अभी तक तो मैं अकेला ही घूम रहा हूं, कोई आया ही नहीं खिलाड़ी मैदान में। चलिए, जब सारे खिलाड़ी मैदान में आ जाएंगे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे और चर्चा करेंगे फिर। ये थे विनोद बेना, इनका कहना है कि फिलहाल कोई खिलाड़ी मैदान में नहीं आया है, तो अकेले खिलाड़ी मैदान में हैं और ये अपने दावा कर रहे हैं कि ये MLA बनते हैं हांसी से, तो हांसी को जिला बनाने की मांग को ये प्रमुखता से उठाएंगे। हांसी जो क्षेत्र है, यहाँ की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हांसी में लेके आएंगे।